कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बड़ी बड़ी बात कहती है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के बारे में बात करती है, और एक तो उनके पास बहुत पहले से ही सरना कोर्ट का मामला आपका चला गया है, पूरा गया है, और इस तरह से जो जनजाति है उसके बारे में राज्य सरकार टीआरआई के माध्यम से पूरा समीक्षा करते हुए अगर रिपोर्ट करके भेज रही है तो उसको भी गलत तरीके से व्याख्या करके आदिवासियों को जनजाति का सूची से अलग कर रहा है, तो स्वाभाविक है आदिवासियों का जनसंख्या अपने आप आपका कम होते जाएगा। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी, हम तो सदन में भी देखे हैं, बिल्कुल इसको मैं बिना झिझक से मैं कहना चाहूँगा, और आप उन लोगों से भी बात कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे इन समाज के बारे, जैसे इस ऐसे मुद्दों पर बात कभी नहीं करती है, ना सदन में इस बात को रखती है। यहाँ पर आपका अगर एसी में अगर आप देखेंगे तो नायक लोग हैं, घासी लोग हैं, चमार लोग हैं, मिर्घा लोग हैं, यहाँ पर उनकी बात वो कभी सदन में करेगा ही नहीं। बाकी जो ये भूहर मुंडा का बात, लोहारा वाला बात कर रहा है कंपाट मुंडा के बारे में, ये लोग में हिम्मत ही नहीं है। अगर इनको इतना चिंता है तो आप हिम्मत दिखावे। केंद्र सरकार में जो इस तरह का लिपिकिया भूल यहाँ पर हुआ है और राज्य सरकार उसको अनुशंसा कर रही है, तो इनको पुनः इसको सूचीबद्ध उसको किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, इस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मुद्दा को टच करती नहीं है। बेकार बेकार का मुद्दों को लेकर के प्रदेश को उलझा करके रखती है। और आप आज जो प्रदेश अगर उलझा हुआ है तो उन्हीं लोगों का, चाहे धार्मिक मामला हो, बेकार की चीज़ों को ला करके। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण इशू है, आप बताइए यहाँ का लोगों को आप भूमिहार बना दे रहे हो, और ये कितना चिंता का सवाल है। और तो और आप उनको ब्राह्मण भी बोल दे रहे हो। ये लिखा हुआ मैं रिपोर्ट आप लोगों को, रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की बात इस प्रदेश में होता है और इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के रूप में केवल राजनीतिक रूप से केवल लोगों को साधने का एक करती है, लेकिन ऐसे इशू पर वो कभी बोलती नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।